हेलो एवरीवन, कल हमारा जो टॉपिक था न्यूट्रिशन वो कंप्लीट हो गया था। हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब तक उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा और आपको क्या क्या पॉइंट नोट डाउन करने हैं कॉपी के अंदर, कॉपी वर्क में, वो मैं आपको क्विक रिव्यू बता रही हूँ। लाइफ प्रोसेस हमने शुरू किया था, उसमें हमने पहले पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, फिर व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, फिर पढ़े मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। इतना पढ़ने के बाद हम अपने टॉपिक पर आए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसको इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। फिर हमने पढ़ा कि थ्री स्टेप्स होती है जिसके की थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है ना, थ्री स्टेप्स इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फिर टॉपिक आया हमारा कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने थ्री एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। वो थ्री एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे, पहला एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट था एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर टॉपिक आया रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हमने पढ़ा हाउ द प्लांट ऑप्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरह से करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑप्टेन, और उसी में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। फिर आया हाउ द प्लांट ऑप्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, किस तरह से पानी लेते हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जो उनको चाहिए वो भी वो लेते हैं। फिर टॉपिक था आपका साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा था। फिर टॉपिक आया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जहां पर हमने देखा कि एनिमल्स जो होते हैं वो रेडीमेड फूड पर डिपेंड होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स थ्री ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट, या एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, वो थे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। फिर हमने पढ़ी थी डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इंगेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन के बारे में। फिर था न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, जहाँ पर हमने अमीबा और पैरामीशियम के जरिए न्यूट्रिशन की बात की। फिर था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पॉइंट देखे थे पहले इंगेशन, फिर हमने देखा डाइजेशन, डाइजेशन इन माउथ देखा, जहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिंग की बात की गई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। फिर स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होता है तो वहाँ थ्री सब्सटेंसेस की प्रेजेंस थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम और एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने लेंथ के बारे में पढ़ा, हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स ज़्यादा होती है। लिवर और पेनक्रियास के बारे में पढ़ा, ये कौन से सीक्रेशंस सीक्रेट करते हैं ये देखा। फिर हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन, और लास्ट टॉपिक था हमारा डेंटल केराइस। ऐसे करके हमारा जो था न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। देखते हैं क्या है। देखो, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सबसे जो फूड हमने न्यूट्रिशन के जरिए अपनी बॉडी में लिया, अब रेस्पिरेशन के जरिए वही फूड क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो एनर्जी रिलीज्ड होती है। रेस्पिरेशन जो है वो एक एसेंशियल प्रोसेस है लाइफ के लिए, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव, ठीक है। अब जो ये रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या है वो डिफरेंस, देखो, ब्रीथिंग जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि वो मैकेनिज्म जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग कहलाता है वो। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी इंक्लूड है। यानी कि रेस्पिरेशन सिंपल भाषा में कहें तो ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग जो होता है वो लंग्स के अंदर होता है, जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जहाँ पर फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए।
इसी तरह से रेस्पिरेशन जो है वो जस्ट अपोजिट है फोटोसिंथेसिस के। अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में तो क्या होता है, फूड की सिंथेसिस होती है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस है, तो मैंने टॉपिक इसलिए डाला है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, और सेकेंड है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, ये आपको नोट करना है बुक में से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। जो एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है वो कैसे स्टोर होती है, वो स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इसी से जो है फॉस्फेट ग्रुप ब्रेकडाउन होता है और एडीपी में कन्वर्ट होता है, और चाहिए तो फिर एएमपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और वापस जब फूड ये एनर्जी स्टोर होती है तो एएमपी से एडीपी बन जाता है और एडीपी से वापस एटीपी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन। मेनली रेस्पिरेशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रेस्पिरेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक कहलाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है पहले ये देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसके की अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है। द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को हम एक नॉर्मल फूड मानते हैं। ग्लूकोज फूड का एक नॉर्मल फॉर्म है। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक है, और एनर्जी रिलीज्ड होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसमें दिखा रहे हैं कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, वो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है, उसके जरिए ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड मिलेंगे, उसको पाइरूवेट के नाम से भी जानते हैं। अब ये पाइरूविक एसिड जो है या पाइरूवेट जो है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। अगर पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स का फर्दर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या बनेगा आगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी के बनेंगे, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट्स। ठीक है, तो ये तो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, और जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी वहाँ बनेंगे। यानी कि कहने का अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाएगा, पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट के टू मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस के जरिए। ये प्रोसेस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। अब फर्दर पाइरूवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, उसको हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स वहाँ क्या बनेंगे, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की वहाँ पर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये था एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो क्या होता है, कभी कभी ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, वैसे तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी ऑब्टेंड एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ही होती है, लेकिन कभी कभी अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी मसल्स के अंदर भी होता है। जब विग्रस एक्सरसाइजेस के दौरान, विग्रस फिजिकल एक्सरसाइजेस हम करते हैं, उस दौरान हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो इसीलिए होता है कि इतनी तेज़ी से जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का यूज़ बहुत तेज़ी से होता है मसल सेल्स में, उतनी तेज़ी से वो ब्लड को सप्लाई भी नहीं हो पाती। तो ऐसे में जब ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो फिर वो वहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और ग्लूकोज जो होता है फूड वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर देखो क्या होगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये तो
स्टेप कॉमन है, एरोबिक हो या एनएरोबिक, ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के जरिए टू मोलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड की फॉर्मेशन करेगा और वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर मसल टिश्यू में हो रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वहाँ पर टू मोलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस टू मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन होगी। मैंने यहाँ लिखा भी है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज। When oxygen gets used up faster in the muscle cells, then can be supplied by the blood. When anaerobic respiration takes place in human muscles or animal muscles, then glucose, food is converted into lactic acid with the release of a small amount of energy. The breaking down of glucose during this respiration can be represented as. यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है, उस दौरान भी क्या होता है, anaerobic respiration होता है। तो ये है aerobic और anaerobic respiration। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपको कि गिव द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें, तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, पहला। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये तो बात हुई एरोबिक की। इसका ऑपोजिट अगर हम एनएरोबिक में देखते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वहाँ पर फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन के, वो हैं एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो होते हैं एज इन ईस्ट प्लांट्स के अंदर, और लैक्टिक एसिड जो होंगे वो होंगे एनिमल टिश्यूज के अंदर। और मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा भी है, जो मैंने बोला है ये सब लिखा हुआ भी है यहाँ पर। देखो यहाँ पे आगे मैंने लिखा भी है और भी, द सडन बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कैन कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स। अब ये हमारी मसल्स के अंदर जब विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान क्या होने लगता है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो वहाँ पर क्रैम्प्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर, कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर प्लांट्स में हो रहा है, जैसे कि ईस्ट के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर क्या करता है, वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है एज एंड प्रोडक्ट। लेकिन अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल की मसल्स के अंदर हो रहा है, तो फिर वहाँ पर वो लैक्टिक एसिड एज द एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप एक कॉलम बनाकर फोर डिफरेंसेस लिखेंगे, जो इजीली अवेलेबल है आपकी बुक में, आप वहाँ से देखकर आराम से लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो था कॉमनली रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, मस्कुलर क्रैम्प्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, और जो एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है वो कैसे स्टोर होती है। नेक्स्ट टॉपिक अब आ जाता है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, और प्लांट्स ये एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन के जरिए ही ऑब्टेन करते हैं। प्लांट भी एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को ही यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है। इसीलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेटरी गैसेस के नाम से जानते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट जो होता है वो एनिमल्स के रेस्पिरेशन से कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। कैसे, पहला डिफरेंस है, देखो प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स, वो इंडिविजुअली रेस्पायर करते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो एज अ सिंगल यूनिट रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। सेकंड, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के दौरान क्या होता है, लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट, जबकि ऑन द अदर हैंड जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसपोर्ट होती है इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। थर्ड, कि जो रेस्पिरेशन होता है वो स्लो रेट से होता है प्लांट्स के अंदर, जबकि रेस्पिरेशन इन एनिमल अकर एट अ मच फास्टर रेट, वो बहुत तेज़ी से होता है। तो ये थ्री डिफरेंसेस देखे गए हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। अब प्लांट्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब प्लांट का हर एक पार्ट क्या कर रहा है, इंडिविजुअली रेस्पायर कर रहा है। हमने कहा रेस्पिरेशन रूट्स में अलग हो रहा है, स्टेम में अलग हो रहा है और लीव्स में अलग हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, देखो सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन इन रूट्स। पहले अगर देखें कि आपने देखा होगा रूट्स और सॉइल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होती हैं,
और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो रूट्स के अंदर और भी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो ये रूट हेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन सॉइल पार्टिकल्स से डिफ्यूशन के जरिए ही ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं और आगे सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो भी रूट हेयर्स के जरिए ही डिफ्यूशन के प्रोसेस के जरिए रिमूव आउट कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा पाया गया है कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं अगर उनकी रूट्स लंबे समय तक वाटर लॉक्ड बनी रहे या कंसिडरेबल टाइम तक क्या बनी रहे, वाटर लॉक्ड बनी रहे। ऐसा क्यों होता है कि टू मच वाटर जो है, ज़्यादा पानी क्या करता है, जो एयर सॉइल पार्टिकल्स के अंदर या उनके बीच में पाई जाती है उसको एक्सपेल कर लेता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन रूट्स को अवेलेबल नहीं हो पाती एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, और ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, रूट्स अनएरोबिकली रेस्पायर करने लगती है और अल्कोहल का प्रोडक्शन करती है जिसके की वजह से प्लांट्स किल हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर कैसे होता है, डिफ्यूशन के जरिए। और प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर जो रूट हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूशन के जरिए ही ऑक्सीजन को लेते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन स्टेम। ये तो आप सब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अगर सॉफ्ट स्टेम होती है, जो स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर होती है, तो उनके अंदर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई हार्ड वुडी स्टेम है तो प्लांट के अंदर लेंटिसल्स पाए जाते हैं। ये लेंटिसल्स जो होते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं वुडी स्टेम के अंदर जहाँ पर सेल्स लूजली पैक्ड होती है जिससे कि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सके एयर और लिविंग सेल्स ऑफ द स्टेम के बीच में। तो स्टेम कैसे करते हैं रेस्पायर, या तो स्टोमेटास के जरिए करते हैं या तो लेंटिसल्स के जरिए करते हैं, स्टेम वहाँ पर ये रेस्पायर करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। सभी जानते हो आप कि लीव्स के, जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनके अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटास के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्टोमेटास क्या करते हैं, गैसेस का रेस्पिरेटरी, या मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटास के जरिए ही क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक नोट करने लायक बात यह है कि जो लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो तो दिन के समय में भी होता है और रात के समय में भी होता है, लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम पर ही होता है, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस डे टाइम पर हो रहा है ओनली, तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और लीव्स क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करेगी और बाकी ऑक्सीजन को क्या कर देगी, एयर के अंदर डिफ्यूज़ कर देगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी डे टाइम पर रेस्पिरेशन के थ्रू, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज़ कर लेगी, समझ गए ना आप। दोबारा सुन लो कि प्लांट्स में क्या होता है कि दिन के समय रेस्पिरेशन तो वो दिन के समय भी कर रहे हैं, है ना, और फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकल रही है तो प्लांट उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए भी ले रहे हैं, है ना, और बदले में जो वो CO2 बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है, तो इनका एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन रात के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता लेकिन रेस्पिरेशन तो होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के जरिए यूज्ड अप नहीं हो पाती। तो उस वक्त प्लांट्स के आसपास भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट, सिंपल सा है। रेस्पिरेशन इन प्लांट रूट्स के जरिए जो सॉइल पार्टिकल में एयर है प्लांट उसको रेस्पायर कर रहे हैं। स्टेम के अंदर अगर स्मॉल हर्बेशियस स्टेम है, स्मॉल नहीं मतलब स्मॉल प्लांट जो हैं हर्बेशियस है, अगर उसकी स्टेम सॉफ्ट है, ग्रीन है, तो उनमें स्टोमेटास हैं, और हार्ड और वुडी है तो फिर उनमें लेंटिसल हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। और लीव्स के अंदर तो क्या प्रेजेंट होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटास। स्टोमेटास की मदद से प्लांट क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहाँ तक आपका आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।